शेर दिल वाले ही मटन खाते हैं, शेर कभी घास नहीं खाते हैं। जो घास खाता उसको शेर खा जाता है। अरे भैया, रिकॉर्डिंग करते करते या देखिए मटन बनाने लगे भैया। हेलो एवरीवन, की हाल चाल जी। तो जिस तरह के तुसी वीडियो विच पहला देख लिया, अज बनाउणा आपां ददन मटन हांडी, मतलब बिहारी स्टाइल। तो ये पूरा प्रॉपर मतलब इस तरीके बनावांगे। सो सारा नालों पहला आपां शॉप ते जाके ते मटन खरीद लईए, उस तो बाद विच आण के फिर आपां दूजा जिहड़ा तड़का वगैरह वह करांगे। ओके गाइज, आपां पहुँच गए हैं शॉप ते। तुहानूं एक चीज़ दसां पहलां, आह वेखो कड़कनाथ, ये लड़न वाला मुर्गा हुंदा कि ना। हाँ जी जनाब, किदा ठीक ठाक हो? गाइज, मटन जिहड़ा वा आपां लिया करा, हुण चलीए घर नूं। मटन लिया के आपां आ गए हां घर। ये हैगा जी टोटल 1 किलो। तो इहदे विच आपां मतलब हुण आपां हांडी स्टाइल तुहानूं दस्सांगे वी कितना बणांदा। तो उहदे वास्ते पहलां कट्टिया होया जिहड़ा प्याज वा, कला कला करके इहनूं पाईए इहदे उपर। उस तों बाद आपां लवांगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट। ये तुम साबत लसन दियाँ कलियाँ पाउनियाँ चाहो तो वह भी पा सकते हो, वह भी वधिया लगदियाँ। तो अपने को पेस्ट हैगी, इस करके आप पेस्ट पा दें। 2 चम्मच नमक दे, उस तो बाद हल्दी। हल्दी तो बाद जो घर का पीसे आ जोड़ा मसाला हों पाना पाना बेच। तो उस तो बाद आप थोड़ा ही पाना वा, ज़्यादा आप मीट मसाला। रंग देने वास्ते देगी मिर्च तकरीबन 1 चम्मच, विच 1 चम्मच जिहड़ा आ ओह कालियां मिर्चां कुटियां पावांगे। उस तो बाद विच गाइस आपां पावांगे 1 कसूरी मेथी, इहनूं थोड़ा जिहा इस तरह क्रश करके। तो इस तो बाद पावांगे आपां लाल मिर्चां कुटियां, ये भी 1 चम्मच लगभग। इहनूं हुण आपां कर लांगे चंगी तरह मिक्स। ओके गाइज, तंदूर दे विच आपां अग जिहड़ी आ भखारी आ। हुण इहदे विच इहदे उपर आपां रखदे आ हांडी, ते नाल दी नाल इहदे विच पा दईए ऐ सरों दा तेल। ये आपां ऑलरेडी मतलब गर्म कर कीता होया सीगा। इहदे विच हुण आपां पावांगे 1 तेज पत्ता, उस तो बाद विच हरियां इलायचियां 2 लौंग, जायफल ते धनिया साबत। इस तो बाद विच आपां कड़ी पत्ता विच पावांगे, ये साडे घर दे विच ही मतलब उगे होए आ। इन्ने क जिहड़े आ कड़ी पत्ता पा लैणे विच धो के। नाल दी नाल आपां तेल जिहड़ा वा ओह पटण वास्ते विच पाणी पा लैणा। ओके गाइज, हुण टाइम आ गया इहदे विच मटन पाउण दा। इहनूं आपां थोड़ा थोड़ा हौली हौली करके इहदे विच मटन पाउने आ। इहनूं हुण चंगी तरह आपां मिक्स कर लईए। इहनूं हुण आपां तकरीबन जिहड़ा वा 1.5 घंटा चंगी तरह पकाउणा वा ढक्कण लगा के उपर। तो उस तो बाद विच फिर वेखांगे उह तकरीबन वैसे 1.5 घंटे तक जिहड़ा वा मटन जिहड़ा साडा बण के तैयार हो जाणा। विच एक वारी आपां फिर देखणा वी जे पाणी पाउण दी लोड़ होएगी तां फिर विच पाणी पाउणा। उहनां तक आपां इहनूं चंगी तरह ढक्कण लगा के इहदे उत्ते ढक दईए। लास्ट में आप एक चीज़ पावे, ये हैगा जी घर का उगाया हुआ हरा धनिया। इनू आप उन्ना कट लीए जिन्ना क चाहिए।
मटन नूं रिझदे आ ना तकरीबन अद्धा घंटा हो गया। आलू आपां बिल्कुल मतलब कोलियां दी अग दे उत्ते हल्की हल्की अग दे उत्ते पकाया, हुण टाइम आ गया वा इहदे विच पाणी पाउण दा। ते आ तुसीं देख सकदे हो कि बिल्कुल हजे ड्राई टाइप होया पिया, इहदे विच हुण पाउंदे आ अहीं पाणी। मटन जिहड़ा आ उह साडा तकरीबन 50% इस टाइम हो चुक्या आ। इहनूं आपां होर अद्धा कु घंटा, अद्धा पौणा घंटा आपां इहनूं होर इहदे विच रिझण देणा, उस तों बाद विच फिर ढक्कण खोल के देखदे हां। अच्छा जी, इहनूं रिझदे आ पूरा डेढ़ घंटा हो चुका आ ते बिल्कुल ऐन चंगी तरह उबलण डिआ। लास्ट विच इहदे विच पावांगे अहीं हुण कट के इहदे विच धनिया हरा। हुण तुहानूं आपां इहदे विच पा के ते तुहानूं दस दईए किद्दां दा बणिआ। देखो जी, ऐन घैंट गलबात बन गई है पूरी। लो जी, ये बन के साडा तैयार हो गया हांडी मटन बिहारी स्टाइल। इनू करिए इंजॉय।